भारत पाकिस्तान मैच रद्द। इसरो का सोलर मिशन लॉन्च, प्रज्ञान 20 दिन के लिए सोया। जुडिशरी को भ्रष्ट कहने पर गहलोत को नोटिस। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्ट्री एंड डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट। द ब्राइट फ्यूम्स अगेंस्ट क्लियर मिड डे स्काई। कल की बड़ी खबर इसरो के पहले सोलर मिशन की रही। एक खबर भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मुकाबले की रही, जो बारिश की भेंट चढ़ गया। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए टॉप 10 खबरें लाया हूं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का है, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन अंधेरा और 14 दिन उजाला रहता है। रोवर और लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे स्लीप मोड पर डाला गया है। उम्मीद है कि 22 सितंबर को रोवर फिर से काम शुरू कर देगा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर लिया है। अब इसे सुरक्षित रूप से पार्क करके स्लीप मोड में भेज दिया गया है। रोवर की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इसे ऐसी दिशा में रखा गया है ताकि 22 सितंबर को जब चांद का अगला सूर्योदय होगा तो प्रकाश सोलर पैनल पर पड़ेगा। एक देश एक चुनाव की कमेटी में शाह समेत 8 नाम। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर होंगे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये कमेटी धोखा देने के लिए बनाई गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच रद्द हो चुका है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए। उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने 82 रन बनाए। पहली पारी के बाद बारिश होने लगी, जो कट ऑफ टाइम तक जारी है और पाकिस्तान की पारी शुरू नहीं हो पाई। भारत का ये 44वां वनडे है जो रद्द हुआ है। टीम के पास मैच रद्द होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिला है। पाकिस्तान ने 3 पॉइंट के साथ सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत को क्वालिफाई करने के लिए नेपाल के खिलाफ अगला मुकाबला जीतना होगा। यह मुकाबला 4 सितंबर को श्रीलंका के कैडी में ही खेला जाएगा। जुडिशरी में करप्शन का आरोप लगाकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिया। 31 अगस्त को जयपुर में गहलोत ने कहा था कि आज जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं, वही जजमेंट आता है। गहलोत को यह नोटिस एक वकील की याचिका पर भेजा गया है। वकील का कहना है कि गहलोत ने अदालत की अमानना की है। हालांकि गहलोत ने सफाई देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा वो मेरी निजी राय नहीं है, मैंने हमेशा जुडिशरी का सम्मान और उस पर विश्वास किया है। इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। ये स्पेस क्राफ्ट सूर्य की स्टडी करेगा। इसे PSLV C57 के XL रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। इसके 63 मिनट बाद आदित्य पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचा और ये 16 दिन तक पृथ्वी के कक्षा में रहेगा। करीब 4 महीने बाद आदित्य धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। ये दूरी धरती और सूर्य के बीच की दूरी का महज एक हिस्सा है। L1 पॉइंट के आसपास आदित्य सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइमर सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। राजस्थान में गर्भवती पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया, पीड़िता से CM बोले सरकारी नौकरी और 10 लाख देंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। राज्य के CM अशोक गहलोत ने पीड़िता से बातचीत की और उसे सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर FIR दर्ज की है और 7 लोगों को अरेस्ट किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलाराज सीट से BJP विधायक बीरेंद्र रघुवंशी, धार जिले के बदनावर सीट से BJP के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और ललितपुर उत्तर प्रदेश के BSP नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला समेत 9 नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय PCC के बाहर होर्डिंग लगाए गए, लिखा था सच्चे कांग्रेसियों को सजा मत दो, 2018 के निर्दलों को इस बार ना कहो। 2 दिन के भीतर भाजपा के 2 अहम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। 2 बार के पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद बीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ी है। दोनों नेताओं ने इसके लिए सिंधिया गुट के नेताओं को दोषी ठहराया है। वहीं सिंधिया का कहना है कि चुनाव के दौरान लोग आते जाते रहते हैं।
भारतीय मूल के थर्मन शनमुगर रत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे यहां के 9वें राष्ट्रपति होंगे। 1 सितंबर को हुई वोटिंग में उन्होंने 70% वोट मिले थे। थर्मन ने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी हार दी है। उन्हें दोनों के वोटों को दोगुना वोट मिला है। सिंगापुर में 93.4% वोटिंग हुई थी। एनजी कॉन्ग सॉन्ग को 15.72 और टेन केन लियान को 13.88 वोट मिले हैं। थर्मन के अलावा भी 6 भारतवंशी अलग अलग देशों में राष्ट्राध्यक्ष हैं। गुआयना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली का जन्म इंडो गुआयना परिवार में हुआ था। सेशेल्स के राष्ट्रपति वेबेल राम कलावन भी भारतीय मूल के हैं। इन देशों में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं यूके ऋषि सुनक, आयरलैंड लियो एरिक वर्दाकर, पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा और मॉरिशस प्रविंद जुगनौथ। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मचने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री मांग कर रहे हैं कि खजुराहो में मंदिर कोई भी प्रदर्शनी के लिए नहीं बनाए गए थे। ये मंदिर है, इनमें स्थित मूर्तियों के दर्शन के लिए आम लोगों के समक्ष ओपन कर देना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भगवान की मूर्तियां हैं तो उनके भक्तों के लिए खोला जाए, इन्हें सिर्फ प्रदर्शनी का सामान न समझा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री की इस मांग का स्थानीय मंदिरों के पुजारियों ने भी समर्थन किया है। शास्त्री चाहते हैं कि यहां के मंदिरों में पूजा पाठ होनी चाहिए,